सब्सक्राइब करें इंडियन फार्मिंग ज्ञान चैनल को, बेल आइकन दबाएं किसानी से संबंधित वीडियो यूट्यूब पर सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर भी करें। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि धान की नर्सरी सफ़ेद होकर सूख रही है। नज़दीक से देखने पर पता चलता है कि इसमें कीट का प्रकोप बहुत अधिक है, क्योंकि पौधे का सीख कीट काट दे रहे हैं जिससे पौधा सूख जा रहा है। साथ ही साथ इसमें फंगस का भी अटैक दिख रहा है, क्योंकि जिस पौधे की सीख नहीं कटी है वो अभी सफ़ेद होकर सूख रहा है। किसान भाइयों, यदि इस तरह के लक्षण आपकी धान की नर्सरी में दिखाई दे रहे हों तो तत्काल रोकथाम के लिए कदम उठाएं, नहीं तो पूरी नर्सरी आपकी बर्बाद हो जाएगी। कीट के नियंत्रण के लिए कारटप हाइड्रोक्लोराइड 50% ASP, कीटनाशक रसायन का 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। इस कीटनाशक के प्रयोग से कीटों का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। फंगस के प्रकोप को कम करने के लिए कापर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, फंगिसाइड का 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। इस दवा के प्रयोग से फंगस का नियंत्रण हो जाएगा। दोनों दवा के प्रयोग के बीच में 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर रखें। इन दोनों दवा के प्रयोग से आपकी धान की नर्सरी पहले की तरह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।